वीडियो रिलेटिंग टू अवर चैप्टर थर्ड। चैप्टर नेम है हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस में भी है इसमें हमारा कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ये हमारा चैप्टर है, ठीक है, क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। इसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट द मीनिंग ऑफ कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स, इसमें टूल्स ऑफ द कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब इसमें हमने कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट के बारे में जाना था, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट क्या होती है। अब इसी बेसिस पे हम इसके क्वेश्चन सॉल्यूशन में जाएंगे, इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या है। तो अब सबसे पहले हम अपना इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। जो इसका फॉर्मेट है हमारा फर्स्ट कॉलम है हमारा पार्टिकुलर का, ठीक है, सेकंड कॉलम हमारा बनाएंगे नोट नंबर, थर्ड कॉलम बनाएंगे हमारा ईयर्स का, और फोर्थ कॉलम भी हमारा ईयर्स का ही होगा। फिफ्थ कॉलम में आ जाएगा हमारा एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। एंड सिक्स कॉलम जो बनेगा हमारा, वो सिक्स कॉलम बनेगा हमारा परसेंटेज चेंज में। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिख रहे हैं इसमें पार्टिकुलर्स, ठीक है, सेकंड कॉलम में हमारा क्या आ जाएगा नोट नंबर, थर्ड कॉलम में आएगा हमारा प्रीवियस ईयर, और फोर्थ कॉलम में आ जाएगा हमारा करंट ईयर। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा आएगा ये आएगा हमारा फिफ्थ कॉलम एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज। यहां पर आ जाएगा हमारा परसेंटेज चेंज परसेंटेज चेंज में इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, इसी के साथ में हमारा यहां पर जो आएगा, अब इसको हमें एक कॉलम और लेकर के चलना है, यहां पर आ जाएगा हमारा ए बी, और यहां पर ये आएगा सी इक्वल टू बी माइनस ए, और ये आ जाएगा यहां पर डी, डी इक्वल टू सी इंटू 100 अपॉन ए। ठीक है, इंटू 100 अपॉन ए, ये हमारा डी निकल कर आएगा। ठीक है, ये ओवरऑल हमारा फॉर्मेट हो गया किसका, ये पूरा फॉर्मेट हमारा बन जाएगा बैलेंस शीट का।
ठीक है, ये हमारा फुल फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। तो यहाँ पर ऊपर हम मेंशन कर देंगे इसमें कंपेरेटिव बैलेंस शीट, कंपेरेटिव बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ठीक है, अब कंपेरेटिव बैलेंस शीट इसमें ये हमने मेंशन कर दिया। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब इसमें सोल्यूशन में जाएंगे, हमारा जो सोल्यूशन जाएगा सोल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, इसका फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा इसमें इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट आएगा वो क्या आएगा हमारा, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, अब इक्विटीज एंड लायबिलिटीज इसका जो सब हेडिंग पॉइंट आएगा वो हमारा आएगा फर्स्ट सब हेडिंग पॉइंट। जो क्वेश्चन है पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारा जो क्वेश्चन में गिवन है हमारा पूरा फॉर्मेट है, मैं ये क्वेश्चन सेंड कर दूंगा ठीक है। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग पॉइंट इसमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि इक्विटीज एंड लायबिलिटीज गिवन है, हमारी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में इसका सब पॉइंट गिवन है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। अब इसका भी सब पॉइंट क्या है, इसका भी सब पॉइंट है हमारा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। क्वेश्चन के अंदर जो हमारी शेयर कैपिटल गिवन है, यहाँ पर हमारा प्रीवियस ईयर गिवन है, ये हमारा करंट ईयर गिवन है। अब हम ईयर वाइज अगर इसमें मेंशन करें तो प्रीवियस ईयर हमारा इतना आ जाएगा इसमें 2017 और करंट ईयर आ जाएगा 2018 ठीक है। हमारा जो गिवन है वो हमारे पास में शेयर कैपिटल दे रखी है, प्रीवियस ईयर में दे रखी है 15 लाख की शेयर कैपिटल, और करंट ईयर में दे रखी है शेयर कैपिटल हमारी 20 लाख की। टोटल हमारे पास में यहाँ पर आया हमारा 5 लाख का। तो ये अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमारे परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला क्या है, D इज इक्वल टू C इंटू 100 अपॉन A। हमारा D कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, D हमारे कैलकुलेट करना है, और C हमारा कितना गिवन है, C आया हमारा 5 लाख। तो अगर हम कैलकुलेशन में जाएंगे तो 5 लाख इंटू 100 अपॉन ए कितना है हमारा 15 लाख ठीक है। ये जो है हमारा वो है हमारा 15 लाख, क्लियर है। तो अब जीरो से हम क्या करेंगे, 5 जीरो से हमारे कैंसिल हो गए, 5 3 15 और 3 से इसको 100 को कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 33.33। तो ये हमारा परसेंटेज में चेंज होकर के आ जाएगा 33.33। इस तरह से हमारा ये कैलकुलेशन होती चली जाएगी, हर पॉइंट्स के लिए हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अबाउट द सेकंड पॉइंट हमारा जो कि क्वेश्चन में गिवन है, वो सेकंड पॉइंट गिवन है हमारा क्वेश्चन के अंदर रिजर्व, एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। सेकंड पॉइंट हमारा रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में गिवन है। अब रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यूज जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो गिवन है हमारी प्रीवियस ईयर में रिजर्व एंड सरप्लस है हमारे 4 लाख के ठीक है,
जो प्रीवियस ईयर में रिजर्व एंड सरप्लस है वो कितने के हैं, 4 लाख के, और करंट ईयर में हमारे जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो है हमारे 3 लाख के, ठीक है। अब देखो प्रीवियस ईयर में हमारे 4 लाख के थे, करंट ईयर में हमारे 3 लाख के हैं। फार्मूला है हमारा सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो सी हमारा कितना, बी कितना है हमारा 3 लाख का, और ए कितना है हमारा 4 लाख का, तो आंसर जो आएगा हमारा वो माइनस का कितना आएगा 1 लाख, ठीक है, माइनस का ही आ गया हमारा 1 लाख, क्लियर है, ये 1 लाख हमारा माइनस का आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इस 1 लाख को परसेंटेज में चेंज करेंगे, वही सेम फार्मूला हमें पुट करना है, डी इज इक्वल टू सी इंटू 100 अपॉन ए, तो डी इज इक्वल टू सी इंटू 100 अपॉन ए कितना आएगा, डी आया हमारा 1 लाख माइनस का इंटू 100 अपॉन ए है हमारा 4 लाख, ठीक है। अब 40 से 40 हमारे कट हो गए, 4 से इसको कट करेंगे 25 टाइम्स कट हो जाएगा ये, क्लियर है। तो परसेंटेज चेंज में कितना आ जाएगा 25%। अब ये जो 25% आया ये हमारा माइनस का है, इसलिए इसको हम माइनस में मेंशन कर देंगे, क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये तो हो गई हमारी शेयर होल्डर्स फंड। अब नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट आता है, सेकंड हेडिंग पॉइंट हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में आप हमारी जो क्वेश्चन में गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटीज हमारे क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज में बोल रहा है लॉन्ग टर्म बोराइंग्स, लॉन्ग टर्म बोराइंग्स, लॉन्ग टर्म बोराइंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोराइंग्स कितने गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जो हमारे प्रीवियस ईयर के लॉन्ग टर्म बोराइंग्स है हमारे 6 लाख के हैं, ठीक है, और जो करंट ईयर के लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं वो हमारे कितने के हैं, 9 लाख के हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितने के आ गए, हमारे डिफरेंस 3 लाख का, ठीक है। अब इसमें भी हम उसी फॉर्मूले के बेसिस पर हमारा सी इंटू 100 अपॉन ए कर देंगे, तो सी हमारा निकल कर आया 3 लाख, और इंटू 100 अपॉन ए हमारा है 6 लाख का, ठीक है। 50 से हमारे 50 कैंसिल होगा, 3 2 6, 2 5 10, कितना परसेंट आ गया, 50%। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो परसेंटेज चेंज में कितना आ जाएगा, 50%, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब हमारा इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, नेक्स्ट स्टेप्स है हमारा इसमें, जो निकल कर आया है हमारा निकल, इसमें कैलकुलेट करना है थर्ड पॉइंट हमारा नॉन करंट, सॉरी करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब करंट लायबिलिटीज में हमारे क्वेश्चन के अंदर पे क्या गिवेन है, करंट लायबिलिटीज में क्वेश्चन के अंदर गिवेन है हमारे ट्रेड पेबल्स, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हमारे करंट लायबिलिटीज में गिवन है ट्रेड पेबल्स। प्रीवियस ईयर में कितने के गिवन है, ट्रेड पेबल्स जो हमारे प्रीवियस ईयर में गिवन है 2 लाख के, और करंट ईयर में कितने के गिवन है, 3 लाख के। तो कितना इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा वही फॉर्मूला चलता रहेगा, हमारा इसमें इंक्रीज करेंगे 1 लाख के, ठीक है, जो ट्रेड पेबल्स इंक्रीज कर रहे हैं 1 लाख के। फिर से हमारा वही फॉर्मूला पुट हो जाएगा, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी जो कैलकुलेशन आएगी कितनी आएगी, 1 लाख इंटू 100 अपॉन 2 लाख, ठीक है। 1 लाख इंटू 100 अपॉन 2 लाख, 50 से 50 हमारे कैंसिल हो गए, 2 से ये कट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 50%, ठीक है। 2 5 10, 5 टाइम्स कट होगा तो 50% हो जाएगा,
यहाँ पर ये जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 50%। क्लियर है? ये हमारा इक्विटीज का पार्ट पूरा सॉल्व हो गया। अब हम सॉरी इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज का पार्ट पूरा सॉल्व हो गया। अब हम इसके सेकंड स्टेप में जाएंगे। पहले उससे पहले हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेते हैं। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, अब हम इसका टोटल करेंगे। ठीक है, अब टोटल में हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं। पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आएगा 15 लाख प्लस 10 लाख 25 लाख 2 लाख 27 लाख। ये जो टोटल आया हमारा इसका वो आया है 27 लाख का। ठीक है, इसका जो टोटल आएगा 20 लाख प्लस 3 लाख 23 लाख प्लस 9 लाख 32 लाख 32 लाख और 3 लाख हो गया 35 लाख। इधर का टोटल जो आएगा हमारा वो 35 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो टोटल आएगा 1 लाख प्लस 3 लाख 4 लाख 4 लाख और 5 लाख 9 लाख। 9 लाख तो हमारी प्लस वैल्यू शो कर रहा है और 1 लाख का हमारा माइनस वैल्यू शो कर रहा है। इट मीन्स कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 8 लाख आ जाएगा। ठीक है, प्लस वैल्यू में से हम माइनस वैल्यू को एडजस्ट कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 8 लाख आ जाएगा। क्लियर है ये? अब देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें जो 8 लाख और यहाँ पर जो दे रखा है ये, तो इसके बेसिस पे हमें इसको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वही फार्मूला वही रहेगा सेम, इस टोटल का भी हमें परसेंटेज चेंज करना है। ठीक है, तो 8 लाख इंटू 100 अपॉन 27 लाख। ठीक है, 50 से 50 पूरे पूरे कैंसिल हो गए, ये हो गया 800 अपॉन 27। इसको कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा इसमें 29.63। तो ये परसेंटेज चेंज में आकर के कितना आएगा, 29.63% आ जाएगा कैलकुलेशन पर। ठीक है, उसके बाद में हम ये पार्ट हो गया हमारा, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एसेट्स, जो सेकंड पार्ट है हमारा, इसका सेकंड पार्ट क्या बनकर आ रहा है, एसेट्स। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा एसेट्स बनकर आ रहा है। इस एसेट्स में भी हमारा इसका सब पॉइंट बनकर आएगा, क्या बनकर आएगा सब पॉइंट, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, ये हमारा नॉन करंट एसेट्स आ गए। ठीक है, अब नॉन करंट एसेट्स को भी हम कैटेगराइज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट, फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स में भी पहला पॉइंट आ जाएगा इसमें टेंजिबल एसेट्स। क्वेश्चन के अंदर जो हमारे टेंजेबल एसेट्स गिवन है वो प्रीवियस ईयर में दे रखी हैं 15 लाख की, और करंट ईयर में दे रखी हैं 20 लाख की। ठीक है, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 5 लाख का डिफरेंस आ जाएगा इसमें। क्लियर है? अब देखो इसके बेसिस पर हमारा जो कैलकुलेशन आएगी वो कैलकुलेशन हमारी कितनी आएगी, 5 लाख इंटू 100 अपॉन कितना था हमारा 15 लाख। ठीक है, तो इसको कट करेंगे, 50 से 50 कैंसिल हो जाएंगे, 5000 हो जाएगा, ओ सॉरी 500 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 15। तो अब जो इसका कैलकुलेशन आंसर आएगा वो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, जैसा हमने इस वाले को पॉइंट में किया था वही चीज हमारे यहाँ पर बनकर आ रही है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 33.33। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
ये तो हो गए हमारे टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में आ रहा है हमारा इनटेंजेबल इनटेंजेबल एसेट्स। इनटेंजेबल एसेट्स, अब इनटेंजेबल एसेट्स हमारे कितने की हैं? इनटेंजेबल एसेट्स हमारी क्वेश्चन में 6 लाख की और 9 लाख की गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। डिफरेंस आया हमारा कितने का? 3 लाख का। अब देखो 3 लाख का जो हमारा डिफरेंस आया, सेम प्रोसीजर पर सेम फॉर्मूले पर हम इसको पुट कर देंगे। 3 लाख इंटू 100 अपॉन 6 लाख, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 5 जीरो कैंसिल हो गए, 3 2 6 और 2 से कट हो जाएगा, 2 5 10, 50% आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर जो हमारी परसेंटेज चेंज आएगी वो 50% आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट में आता है हमारा, ये तो हो गए हमारी नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। अब सेकेंड हेडिंग पॉइंट आता है हमारा करंट एसेट्स। ठीक है, सेकंड हेडिंग पॉइंट हमारा क्या आ गया? करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में भी हमारा फर्स्ट पॉइंट आ क्या आएगा? फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा इसमें है इन्वेंट्री। क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो क्या है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज क्वेश्चन के अंदर जो इन्वेंट्री गिवन है वो कितने की है? इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री हमारी गिवन है 4 लाख की। और ये प्रीवियस ईयर की इन्वेंट्री हमारी गिवन है और करंट ईयर की इन्वेंट्री हमारी कितनी गिवन है? 3 लाख की। तो जो डिफरेंस आएगा, बैलेंस आएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, तो ये डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। कितने से डिक्रीज हो रहा है? 1 लाख से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। 1 लाख का मतलब ये हो गया हमारा माइनस बैलेंस शो करेगा, और माइनस बैलेंस हमारा यहाँ पर परसेंटेज चेंज में जाएंगे, तो परसेंटेज चेंज में कितना आएगा? सेम फार्मूले बेसिस पर हम उसको परसेंटेज चेंज में डाल देंगे। हमारा फॉर्मूला वही लगेगा, डी इक्वल टू सी इंटू 100 अपॉन ए। तो डी हमारा कितना निकल कर आया? 1 लाख इंटू 100 अपॉन 4 लाख, ठीक है। कितना आ जाएगा? 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गए, 25% चेंज होकर के आ जाएगा इसका। लेकिन ये जो 25% आ रहा है, ये हमारा क्या आ रहा है? माइनस का 25% आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेकंड पॉइंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या मेंशन कर रहा है? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है हमारा प्रीवियस ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है हमारा 2 लाख का, और करंट ईयर में कितने का है? 3 लाख का, ठीक है। तो डिफरेंस हमारा कितने का आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का? 1 लाख। क्लियर है ये? तो अब हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, सेम फॉर्मूले पर हमारा परसेंटेज चेंज आ जाएगा। कितना परसेंट आएगा इसमें? 50% आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा लाइफ एसेस पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। इसका जो टोटल आएगा हमारा यहाँ पर, हम इसको टोटल करेंगे एसेस का भी टोटल। अब देखो इसमें एसेस का टोटल हमारा कितना कितना आएगा? यहाँ पर टोटल आ रहा है हमारा 15 लाख ये है, 6 लाख ये है, 21 लाख हो गया, 21 और 4 लाख हमारा ये है, तो ये हो गया हमारा 25 लाख और 2 लाख ये है हमारा, टोटल हो गया हमारा 27 लाख, ठीक है।
27 लाख का। यहाँ पर हमारा इसका करंट ईयर का टोटल कितना आ जाएगा, करंट ईयर का जो टोटल आएगा हमारा 20 लाख हमारा ये है, 9 लाख है, 29 लाख और 3 लाख हमारा ये है, 32 लाख, 32 लाख और 3 लाख, 35 लाख। इधर हमारे यहाँ पर भी टोटल कर लेंगे इसका, 5 लाख हमारा ये है, 3 लाख ये है प्लस का, 8 लाख और 1 लाख ये है हमारा प्लस का, 9 लाख और 1 लाख है हमारा माइनस का, तो प्लस का हमारा रिमेन बचेगा 8 लाख। ठीक है, अब ये जो है हमारा यहाँ पर परसेंटेज चेंज आएगा, अब इसका ही सेम प्रोसेस पे बेसिस पर हमारा परसेंटेज चेंज आ जाएगा कितना, 29.63। ये हमारा परसेंटेज चेंज में आ गया। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं पूरा सीक्वेंस में, पूरा सीरियल में, पूरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं दोबारा से। हमने ये पूरा फॉर्मेट बना लिया था, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास में अभी जो क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें हमारा ये क्वेश्चन फॉर्मेट पूरा गिवन है, ठीक है। इसमें हमारा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का पूरा पार्ट गिवन है, ये सारी चीज़ें हमारे पास में गिवन है। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें हेडिंग वाइज क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हमारे पास में जब पॉइंट्स इसके सब पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर, और हमें क्या करना है हेडिंग वाइज इसको सॉल्यूशन में लेकर के आना है, ठीक है। अगर हमारे पास में सपोज दैट ये पॉइंट्स केवल सब पॉइंट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये जितने भी हमने सब पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं ये केवल हमारे पास में सब पॉइंट्स गिवन है, जितने भी ये कुछ सब पॉइंट्स हैं ये गिवन है, तो हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट फॉर्मेट हमें जाना है। बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले हमें मेंशन करना है इसमें इक्विटीज एंड लायबिलिटीज हेडिंग पॉइंट, जो हमारा मेन हेडिंग पॉइंट होगा किसके लिए, इक्विटीज पार्ट, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज पार्ट के लिए, ठीक है, लायबिलिटीज के लिए। तो सबसे पहले हेडिंग पॉइंट हमारा आएगा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। अब इस इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में भी हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स फंड के इसके सब पॉइंट होंगे हमारे शेयर होल्डर्स फंड के क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे, तो सबसे पहले हमें हेडिंग पॉइंट लिखना है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, उसका सब पॉइंट लिखना है हमारे शेयर होल्डर्स फंड, और उसके भी सब पॉइंट्स लिखने हैं हमें। अब सबसे पहले हमारा सब पॉइंट सपोज दैट क्वेश्चन में गिवन है शेयर कैपिटल, तो हमने शेयर कैपिटल मेंशन करना है। फिर हमारा यहाँ पर ईयर्स पे आ जाएगा हमारे, पहले हमें प्रीवियस ईयर लेकर चलना है, फिर हमें करंट ईयर लेना है, ठीक है। और उसी के बेसिस पे हमारा फॉर्मूला बनकर आएगा सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक है। बी माइनस ए का मतलब हो गया करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 लाख। 5 लाख को परसेंटेज में चेंज करेंगे, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला हमारा ये है डी इज इक्वल टू सी इंटू 100/A, ये हमारा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हम इसमें गिवन करेंगे तो परसेंटेज में फॉर्मूला लगाएंगे जैसा अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया था, तो हमारा पहले का परसेंटेज आ जाएगी 33.33। इसी के बाद दूसरा हेडिंग पॉइंट हमारा आएगा, ये क्वेश्चन में हमें बताएगा कि क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमारे पॉइंट कौन कौन से पॉइंट कहाँ कहाँ पर टेकन करने हैं, ठीक है। तो उससे पहले हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा हमें रिवाइज करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। अगर हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्लियर होगा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न होगा, तो हम सारे पॉइंट्स को स्टेप वाइज हम इसमें मेंशन कर देंगे या स्टेप वाइज कैलकुलेट करके उसमें लिख देंगे, ठीक है। दूसरा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस पॉइंट आ गया। अब रिजर्व एंड सरप्लस में जो पॉइंट आया हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, प्रीवियस ईयर का रिजर्व कितना है 4 लाख गिवन है, और करंट ईयर का रिजर्व कितना है हमारा 3 लाख, ठीक है। अब करंट ईयर में रिजर्व हमारा कम है और प्रीवियस ईयर में ज़्यादा था, तो जो आंसर आएगा हमारा जैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो सी इज इक्वल टू बी माइनस ए में हमारा करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो जब हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा माइनस का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारी क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी, ठीक है। अब उसको हम मेंशन करेंगे यहाँ पर, तो प्रीवियस ईयर हमारा वही आ गया, प्रीवियस ईयर में दे रखे हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारे 6 लाख के, करंट ईयर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखे हैं 9 लाख के, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा 3 लाख का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 50%, ठीक है। इसके बाद में हमारे क्वेश्चन में ही गिवन है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में हमारे ट्रेड पेबल्स गिवन है, ठीक है, और ट्रेड पेबल्स हमारे प्रीवियस ईयर में कितने के हैं हमारे 2 लाख के, और करंट ईयर में हमारे 3 लाख के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस आएगा वो कितने का आ जाएगा, 1 लाख का आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम चलेंगे तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आएगा, ये हमारा सी इंटू 100/A, 50% हमारा वो आ जाएगा, ठीक है।
फिर हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, ये हमारा ओवरऑल टोटल आ जाएगा। अब इसमें से हमने 35 लाख में से अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 35 लाख में से हमें 27 लाख हमें माइनस करने, तो रिमेन कितना बचेगा 8 लाख। 8 लाख को परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज चेंज फार्मूला पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 29.63%। ठीक है, इसी तरह से हमारा एसेस पार्ट आ जाएगा। एसेस पार्ट में जब हम एसेस पार्ट में जाएंगे तो एसेस पार्ट में भी हमारे उसी सेम प्रोसीजर पर लेकर चलना है। सबसे पहला हमारा सब हेडिंग पॉइंट आ जाएगा नॉन करेंट एसेट्स, उसमें हमारी फिक्स एसेट, टेंजेबल और फिक्स एसेट्स को भी कैटेगराइज कर लेंगे, तो टेंजेबल एसेट्स और इंटेंजेबल एसेट्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारी करंट एसेट्स आ जाएंगे, करंट एसेट्स में भी हम कैटेगराइज करेंगे, तो इसमें इन्वेंट्री आ जाएगी, हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसको हम अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स मेंशन कर देंगे और वही सेम प्रोसीजर के बेसिस पर इसको भी हम कैलकुलेट कर देंगे।